और जी मीडिया से खास बातचीत में पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि ये सभी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और सभी बीजेपी आइडियोलॉजी वाली पार्टियां हैं, इसलिए अब इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने जमकर अकाली दल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। साढ़े नाल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने, जाखड़ साहब, जिस तरीके आरोप लाए जा रहे हैं कांग्रेस के उत्ते कि धक्केशाही करा रही है कांग्रेस, तैयारी हो रही है अपनी शर्मनाक हार के उत्ते पर्दा पाण दी, उहदे वास्ते कोई बहाना तैयार करन वास्ते, उहदे बाद 17 तारीख के बाद तीनों पार्टियां किस तरह लोगों च विचरनगियां, किस तरह मुंह की मुंह लैके जाणगियां, उहदे वास्ते तैयारी हो रही है। भी बीजेपी के लीडर साहबान आ दसण पंजाब च हो सकता कांग्रेस की सरकार है, पंजाब च कांग्रेस पार्टी ने गुमराह करता, पर हरियाणा के अंदर उन्होंने चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर, MLA लीडर क्यों सारे नज़रबंद है चंडीगढ़ के अंदर, पंचकूला कोठिया के अंदर, क्योंकि इन्होंने जेडे कंडे बीजे है, जेडे मुल्क का कान किया, किसानी का कान किया, इन्हों अपने कंडे बीजे जी फसल चुगनी पै रही है, इन्हों का सफाया हो जा रहा है, तो सफाया बहुत कोझा सफाया हो जा रहा है, क्योंकि अज जी इन्हों की कंपीटिशन है वो नंबर एक पोजिशन का नहीं, वह तो है भी आप कितने जाके रुकते हैं, बिकॉज नंबर वन कांग्रेस, वो बाद बहुत हेठा जाके जरा ईवन सैकेंड प्लेस से आना, सत्तवें अठवें पायदान से आऊगा, सब इन्ना फर्क आऊगा। मेरा मानना है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, मैं इस गल का कोई हैरानी नहीं होनी भी 70% वोटा सीटा कांग्रेस न आ जाए, तो भी कोई वड्डी गल नहीं, पर जिथे ती इन इल्जामा का सवाल है, एक तो बीजेपी ने इल्जाम लाए, दूजे अकाली दल बहुत दिन का इन्होंने, क्योंकि अकाली दल न दो जिहड़े पार्टीज है जिन्होंने पंजाब के लोग नफरत करन लगे, राजनीतिक विरोध तो होंदा पर नफरत की दृष्टि नाल बीजेपी ते अकाली इन्होंने नफरत करदे, उस नफरत नूं कवर करन वास्ते, उहदी हार शिकस्त नूं कवर करन वास्ते आ इक इन्होंने नैरेटिव बना लिया। सिसोदिया साहब के बयान आ गए, कहिंदे जी बड़ा, कहिंदा रजिस्ट्रेशन फीस वधाती, टू व्हीलर के उत्ते जिहड़ी रजिस्ट्रेशन फीस वध गई, रजिस्ट्रेशन फीस याद आ गई सिसोदिया साहब नूं, उत्थों चल के इत्थे आए है, पर उन्होंने वह नहीं दिसिया भी 1 फरवरी नूं मैडम सीतारमन ने बजट पेश किया, उस 1 फरवरी तो लैके 11 फरवरी 10 दिन के अंदर जिहड़ा पेट्रोल आया 2 रुपये 10 पैसे वध गया, डीजल 2.25 रुपये वध गया, उहदे ते नहीं बोलते, कांग्रेस नूं बदनाम करन वास्ते इहदे नाल बिल्कुल स्पष्ट हो गया भी यह लोग रले हुए है। सिसोदिया साहब आके इत्थे कहिंदे भी कैप्टन साहब आम आदमी पार्टी थोड़े नाल खड़ी है, सूबियां नाल धक्का हो रहा है, सूबियां पर सिर्फ राजनीति, सिर्फ कुर्सी, उन्हां दा फोकस कुर्सी, हाए कुर्सी, हाए कुर्सी, बयान की देंदे अमृतसर दे अंदर सिसोदिया साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े गंभीर ते संजीदा किस्म दे, मैनूं कितें मिलण दा मौका नहीं मिले, एक बार स्टेज ते मैं बैठा जरूर हां, बट आई हैव नॉट मैट हिम परसनली, पर जिस किस्म दे भी असी बड़ा छेती एक चीफ मिनिस्टर दा उम्मीदवार असी लैके पाल के लैके आवांगे पंजाब वास्ते। मेरा मानना है भी आ जिहड़े बैठे है भगवंत मान जी इज अ वेरी केपेबल मैन, वो क्यों नहीं, हरपाल चीमा जी क्यों नहीं, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया तो आई थिंक इज अ केपेबल मैन, दूजे अरोड़ा जी है वो क्यों नहीं, जिहड़े आप इन्हां चों छोड़ा दे गए इन्हां नूं पोलिटिकली, खहरा साहब क्यों नहीं, कंवर संधू साहब क्यों नहीं, असीं पाल रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज, मैनूं कोई लंबी चौड़ी हैरानी नहीं होनी जी कल सवेरे एडवर्टीजमेंट आ जाए अखबारों से भी आम आदमी पार्टी को जरूरत है एक अच्छे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार की, लिखे अपना क्वालिफिकेशन दे के लिखे, कितों पाल के लोग पंजाब च बथेरियां भटकदियां आत्मावां फिरी जांदियां जिन्हां नूं चीफ मिनिस्टर वास्ते अचकना बनाई बैठे सीगे, ते टाइम निकल गया कोई जाके अकालियां दी झोली च बैठ गया, कोई सांझे मोर्चे च जा वड़िया, उह तैयार आ के अपलाई कर देणगे या बाहरों लैके आणगे आ वी नहीं पता, सो मजाक ना बनाण पंजाब दा, पंजाब दे अंदर बड़े केपेबल लोग बैठे है। कैमरा प्रमोद नेगी दे नाल बजम वर्मा, जी मीडिया, पंचकूला।